हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक सुपर डुपर अफोर्डेबल हॉल, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ता प्लाजो दुपट्टा कुर्ता शरारा सेट, इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। आपको जो भी लेना हो आप ले भी सकते हैं, बिकॉज ये क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज दोनों ही मतलब बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मतलब मुझे पहली बार देखा है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, आप टाइम से देख सकें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं और वीडियो की तरफ। उससे पहले गाइज, जहाँ पर भी हैं आप, स्टे होम स्टे सेफ, अपना बिल्कुल ध्यान रखिए। लाइक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है, तो अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। सो गाइस, इस हॉल का सबसे पहले कुर्ता प्लाजो सेट जो है वो ये रहा, पिंक कलर का कुर्ता है एंड इसे मैंने मीडियम साइज़ में अमायरा ब्रांड से ऑर्डर किया है। एंड गाइस, ये कुर्ता बहुत बहुत प्यारा कुर्ता है, इसकी फ़िटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। समर्स में थोड़े से लूज़ ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा फिट ड्रेसेस नहीं वेयर करती हूँ समर्स में, बिकॉज फिर मुझे सफोकेशन होने लगता है, तो इस वजह से मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया है। नॉर्मली मुझे स्मॉल साइज़ के कपड़े आते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। आपको यहाँ पर बटन्स मिलते हैं फ्रंट में जो कि ओपन नहीं होते हैं, वो इस तरीके से गोल्डन कलर के बटन्स लगे हुए हैं। और इसका जो फैब्रिक है वो रेयन है, ये शेयर नहीं है। इसमें आपको 3/4 स्लीव मिलती है एंड इस तरीके से प्रिंटेड कुर्ता है और लाइक बहुत अच्छा कुर्ता है। इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है, साइड में आपको इस तरीके से स्लिट मिलेगा। इसका कलर बहुत प्यारा था, मुझे इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा एंड इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगी। इसके साथ आपको प्लाजो मिलता है, इस तरीके का है, इसमें लाइनिंग बनी हुई है पूरे प्लाजो में नीचे तक, लाइक इसमें पिंक कलर से गोल्डन कलर से। सो इसमें दोनों साइड आपको इलास्टिक मिलती है इस तरीके से, तो ये स्ट्रेचेबल भी है तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड नीचे से ये नैरो है तो मेरे एंकल लेंथ तक आ रहा था। इन शॉर्ट ये जो पूरा सेट है गाइज, मतलब फुल पैसा वसूल है। आई गेस ये मुझे 699 में मिला था, उस अकॉर्डिंग इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में आई गेस नहीं मिलने वाला है। सो अगर आपको ये चाहिए हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा, और इसके शायद और भी कलर्स अवेलेबल थे तो वो भी चेक कर लीजिएगा, बट मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप जैसे लाइक घर पे रहते हो, घर पे भी आप इसे पूरा दिन वेयर कर सकते हो और कहीं जाना है तो उसमें तो वेयर कर ही सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट 10/10 था, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक कुर्ता शरारा सेट है, इस तरीके का कुर्ता है, पिंक कलर का है। इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी भी मिलती है नेक लाइन पे एंड ये बांधनी प्रिंट है, इस तरीके से इसके टैसल्स आपको मिलते हैं एंड इसके स्लीव्स के एंड में भी आपको ये गोटा पट्टी मिलती है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है एंड ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है एंड पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। साइड में आपको इस एरिया पे भी लेस मिलता है, आई मीन गोटा पट्टी मिलती है सिल्वर कलर से एंड स्लिटेड कुर्ता है, बहुत लॉन्ग कुर्ता नहीं है एंड इसका फैब्रिक कॉटन है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, शेयर भी नहीं है एंड फिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही थी। थोड़ा सा लूज ही मैंने ऑर्डर किया है, बिकॉज समर्स में लूज कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं इस वजह से। एंड जो गाइज इसका ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो एम्ब्रॉयडरी हुई है नेकलाइन पे हुई है एंड इस तरीके से स्क्वायर नेकलाइन दी गई है इस पे, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी फाइन वर्क किया गया है इसकी नेकलाइन पे एंड ये बहुत प्यारा पीस है, तो अगर आप चाहें तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके नीचे आपको इस तरीके का प्लाजो मिलता है, वाइट कलर का प्लाजो है, इसमें यहाँ पर फ्लावर्स भी बने हुए हैं नीचे इस तरीके से, एक पैर में काफ़ी घेर है, तो अगर आप कुर्ते के नीचे से दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने स्कर्ट वेयर किया हुआ है, बट ये शरारा है एंड इसकी भी फिटिंग काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा शेयर है बट कुर्ता पूरा कवर कर लेगा तो कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आपको दोनों साइड इलास्टिक मिलती है एंड इसमें पॉकेट नहीं है, बट ये है बहुत प्रिटी पीस, आपने ट्राई ऑन में देखा होगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके का काफ़ी घेर भी आता है एंड पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन तो होते ही प्यारा है, तो उस वजह से मैंने लिया है एंड ये अफोर्डेबल भी काफ़ी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो ये रहा,
ये कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा सेट है और बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। साथ ही साथ इस तरीके से आपको नेकलाइन मिलती है, सिंपल सा है, बट जो ड्रेसेस नहीं होती हैं सिंपल होती हैं बट डिसेंट लगती हैं, बहुत प्यारा सा सिंपल सोबर लुक आता है, उस टाइप का है ये। इस तरीके से आपको 3/4 स्लीव मिलती है, स्लीव के एंड में यहाँ पर लेस मिलता है एंड इस तरीके का ये कुर्ता है। मैंने इसे मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया है एंड साइड में आपको इस तरीके से स्लिट मिलता है। मरून कलर का कुर्ता है, डार्क मरून है एकदम एंड स्ट्रेट कुर्ता है, साइड में स्लिट मिलता है। सेम इसी तरीके का इसका प्लाजो भी है, आपको यहाँ पर नीचे से ये नैरो मिलता है एंड नीचे यहाँ पर लेस मिलता है और एक साइड आपको लाइक ऊपर इलास्टिक मिलती है एंड इधर ये बेल्ट मिलता है। इसमें आपको पॉकेट नहीं मिलती है बट ये कंफर्टेबल बहुत है वेयर करने के लिए, अगर आप लाइक अभी वेडिंग्स तो वगैरह सब रुक गया है बट स्टिल जहाँ पर भी हो रही है, अगर आपको फंक्शन में जाना है, आपके घर में है, या तो आप इसे वेयर कर सकते हैं बिकॉज इसका दुपट्टा जो है वो लाइक बिल्कुल वेडिंग वाला वाइब्स देता है, लाइक गोल्डन एंड इस तरीके से टैसल्स मिलते हैं आपको और छोटा दुपट्टा नहीं है, काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में दिया गया है तो ये पेयर भी बहुत अच्छा लग रहा था, पार्टी अप्रोप्रिएट लग रहा था। तो अगर आपको बिल्कुल अफोर्डेबल कुछ देखना है, आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये ओवरऑल ये पूरा लाइक आपने ट्रायल में देखा होगा तो काफ़ी सिंपल एंड सोवर पीस लग रहा है, तो अगर आप कुछ इस टाइप का देखना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइज जो नेक्स्ट कुर्ता है वो ये रहा, स्काई ब्लू कलर का कुर्ता ऑर्डर किया है मैंने। मैंने इसे मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था बट ये आई डोंट नो वाई ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लूज है, मैंने ट्राई ऑन में शेयर किया है आप लोग के साथ। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे कुर्ता में गोटा पट्टी मिलती है एंड स्काई ब्लू कलर का है। इसका कलर तो काफ़ी अच्छा है, अगर ये मेरी फिटिंग का होता तो ये बहुत अच्छा लगता बट मैंने फिर भी वेयर करके आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप अपने साइज़ में मंगाएगा तो आपके ऊपर कैसा लगेगा। इसमें 3/4 स्लीव है, इसका जो फैब्रिक है वो रेयन है और रेयन आप पूरे दिन वेयर कर सकते हैं आराम से, घर में, बाहर, ऑफिस वगैरह कहीं जा रहे हैं तो आप दिन भर वेयर कर सकते हैं। इस तरीके से राउंड नेक मिलता है और ये भी एक स्ट्रेट कुर्ता है, लॉन्ग कुर्ता है। इस तरीके से आपको इसका व्हाइट कलर का प्लाजो मिलता है एंड यहाँ पर आपको गोटा पट्टी मिलती है एंड एक पैर में लाइक इस प्लाजो में भी ये शरारा है, इसमें भी काफ़ी घेर मिलता है आपको और ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था। लाइक लॉन्ग कुर्ता है एंड उसके नीचे इस तरीके से दिखता है तो ये लगता है लाइक ये स्कर्ट है। क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छा है बट मुझे थोड़ा सा साइज़ में इशू था तो इस वजह से मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस इसके कलर्स भी अवेलेबल थे तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज नेक्स्ट जो कुर्ता है वो इस तरीके का है, जो केसरिया कलर होता है उस तरीके का है। इसमें आपको नेक लाइन पे ये डोरी मिलती है जो कि अभी मैंने टाई करके रखा हुआ है। मैंने इसे भी मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था एंड इसका फैब्रिक भी रेयन है। ये प्रिंटेड कुर्ता है, 3/4 आपको स्लीव मिलती है, ओवरऑल इसमें प्रिंट मिलेगा आपको आगे एंड पीछे। इसमें लाइक साइड में आपको स्लिट मिलेगा, ये स्लिटेड कुर्ता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं है बट इसकी भी फिटिंग काफ़ी अच्छी थी। आप इसे घर पे, बाहर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे वेयर कर सकते हैं, शेयर बिल्कुल भी नहीं है एंड वेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने ब्राइट कलर नॉर्मली मैं वेयर नहीं करती हूँ बट ये मुझे अच्छा लगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड इसके साथ इस तरीके का पैंट मिलता है, दोनों साइड आपको इलास्टिक मिलती है, इसमें भी प्रिंट है एंड इसके राइट हैंड साइड में आपको पॉकेट मिलती है तो आपको कुछ रखना होगा तो भी आप रख सकते हैं। एंड इस तरीके से नीचे तक आपको नीचे आके ये नारो हो जाता है, मेरे एंकल लेंथ तक आ रहा था एंड मेरी जो हाइट है वो 5'5" है, मैंने मीडियम साइज में ऑर्डर किया है। बॉटम वेयर का भी फैब्रिक रेयन है तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है, शेयर बिल्कुल भी नहीं है और ये कॉम्बिनेशन मुझे रेयरली देखने को मिलता है बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि ये मुझे सही लगेगा, बस मैंने ब्राइट कलर था, मैंने कहा ट्राई करते हैं बट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई रियली होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय।